गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी हूँ मैं किचन गार्डन में, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा टमाटर मिर्च वगैरह जो है दुकान के लिए ले जाता हूँ। तो वो मैंने ये अभी तोड़ ली सारे बैग में। और आज मौसम भी एकदम मस्त है, धूप लगी है बहुत प्यारी, और व्यू तो क्या ही कमाल का है। आप लोग हर बार देखते हो इसे, तो जबरदस्ती है ये। तो टमाटर तोड़ते हुए मुझे लगता है ना कोई चींटी वगैरह अंदर घुस गई है टी शर्ट में, और पूरे शरीर में ऐसी खारिश सी हो रही है। तो ऐसा करता हूँ कि पहले इसको रख के फटाफट नहा ही लेता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा रेड रेड हो जाए पूरा शरीर। 5 minutes later तो सुकून जो है वो तो नहा के ही आया अभी, नहीं तो पहले तो खारिश ही हो रही थी पूरे शरीर में। बाकी कमरे की हालत तो आप लोग अभी रहने ही दो। ये मानविक के लिए लेके आया हूँ मैं, ऑनलाइन मंगवाए थे मैंने। ये रहा इसका बैग, तो ये आए हैं। कितने प्यारे हैं, ये सबसे प्यारा लगा। लेकिन इसकी एक आंख है एक है नहीं लेकिन है सबसे बढ़िया यही। ये देखो ये भी है, एक ये है, ये घोड़ा आ गया। अभी ऐसा करते हैं कि अभी दुकान चलते हैं। मैंने टी शर्ट फिर से वही लगा ली क्योंकि मुझे बगीचे से होके जाना है, वहां पे सेब तोड़ रखे हैं तो वो वरी लेके जानी है। तो ऐसे में मैंने तो टी शर्ट वैसे ये निकाल रखी थी, लेकिन ये लगाता तो बोरी उठानी कंधे में तो फिर ये तो गंदी हो जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ले जाता हूँ और वहां पे लगा लेंगे दुकान पे। सेब तोड़ने छोटे भाई पहले चले गए हुए हैं, तो देखते हैं उन्होंने कितने तोड़े हुए हैं। फिर मैंने दुकान तो जाना ही है, जाते जाते एक बोरी ले जाऊंगा मैं। इनको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, बाद में साफ कर लेंगे ये सारा, और बाकी इनको भी बाद में उठा लेंगे जब सामने आना है। ये वाला सेब का पेड़ जो है ना, अभी देखो रेड हो रहे हैं सेब, तो अभी दिख रहे हैं। पहले तो इसमें ऐसे लगता था कि सेब है ही नहीं, और सेब बहुत सारे हैं इसमें। ये देखो इधर 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 इधर, और ये वाला सेब लॉन्ग टाइम तक चलता है, खराब भी नहीं होता जल्दी, है खट्टा। लेके ये ले, ये ले, ये गया नीचे। इस वाले को देखो, ऐसा लग रहा है कि सेब है नहीं, लेकिन देखोगे आप ध्यान से तो बहुत सारे सेब हैं, लेकिन ये पूरा हरा है अभी। इधर ये देखिए दोस्तों, मैं दुकान पे पहुंच चुका हूँ, सेब की बोरी लेके आया, तो अभी यहाँ पे रख दिए रूम में। तो ये रखे हैं, बाकी ये सेब है कुछ, अभी कुछ छोटे भाई तोड़ रहे हैं अभी, बाकी बोरियां वहां पर हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं चलता हूँ अभी आगे, तो मैं अभी दुकान पे आ गया। बाकी इन सेब का अभी ग्रेड करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सफाई वाई कर लेता हूँ दुकान पे, उसके बाद मैं ग्रेड करूंगा सेब का, उसके बाद मैं सेल करने के लिए रख देंगे, फिर पेटियां भी भरेंगे। घर से मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आया, तो अभी इसलिए दुकान पे बॉयल एग खा रहा हूँ साथ में चटनी, फास्ट इससे हो जाएगी। बाकी अभी इतनी ज्यादा भूख भी नहीं है, जब भूख लगेगी तब देखेंगे बाद में। फिर पहले तो ऐसा करता हूँ कि फोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि बैटरी जरा सी बची है, चार्जर मैंने क्या है। बाहर अभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है, और मैं इधर बना रहा हूँ मटन, राड मटन मेले लगे हुए हैं, आपको पता ही है। तो शाम के टाइम आज हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रात में प्रोग्राम होते हैं, मतलब सिंगर वगैरह आते हैं, तो आज वहाँ पर प्रोग्राम है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा तभी लगाता हूँ इसको, यहीं से चला जाऊंगा, घर कौन जाने लगे उस टाइम पे। इसलिए मैंने ये टी शर्ट यहाँ पे रख दिया, नहीं तो ऐसे काम करूंगा ना तो हल्दी वाले हाथ लग जाते हैं, कोई क्या तो ऐसे में लिबड़ते पड़ जाती है। फिलहाल तो अभी मैं फोकस करता हूँ मटन बनाने पे। तो यार मटन तो बना रहा हूँ ना, लेकिन अभी ऐसा हो गया था कि आग लग गई थी यहाँ पे, पता नहीं ये जो है यहाँ पे, अभी मैंने ये जुगाड़ लगा के रखा, ये देखो ये वाला, मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया था ना इतना सा, तो पता नहीं क्या हुआ, इसकी हीट पहुंची ना और पाइप पिघल गई हुई थी, और यहाँ से भी गैस लीक हो रही थी। फिर बाद में एकदम से ऐसे प्रेशर बढ़ा, यहाँ से निकल गई एकदम प्रेशर से पाइप, फिर इसको रेगुलेटर से बंद कर दिया जल्दी से, नहीं तो हो जाना था काम। अभी कुछ इस तरह का जुगाड़ लगाया ये, ताकि इसको सेक ना पहुंचे यार। हाँ ये देखो इतनी सी फ्लेम रखी है, फिर भी यहाँ काफी ज्यादा सेक पहुंच रहा है, इसका कुछ जुगाड़ करते हैं परमानेंट। फिलहाल टेम्परेरी ऐसे ही करना पड़ेगा। भाई दोस्तों मटन बन के अभी रेडी है, ये तरी वाला बनाया, जिन बंदे की डिमांड है। तो उन्होंने पहले बोला था कि सूखा सूखा बनाना, उसके बाद बोला कि तरी लगा देना, हमने खाना भी खाना है, तो मैंने तरी लगा दी फिर। और अभी देखो भाई साहब क्या लग रहा है, गजब एकदम मस्त लग रहा है। A few moments later. दोस्तों रात के 8:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे क्लोज करके जा रहे हैं मेले में, साथ में अपने इधर दो भाई और हैं, और बाकी जो है वो सारे गांव वाले वो आगे निकल गए हैं, हम ही रहते हैं। चलो अभी जल्दी से हम भी चलते हैं, लाइट तो बंद ही की, देखते हैं फिर मेले में क्या प्रोग्राम है। हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं जहाँ की है मेला, अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर दी है। और आप लोग भीड़ देखो ना, इतनी ज्यादा भीड़ है कि पूछो मत, तो बाइक पार्क करने के लिए जगह भी नहीं थी, तो यहाँ पे हमने ऐसे बाइक पार्क कर दी, पूरी आगे तक ऐसे ही बाइकें लगी हुई है, ये देखो लाइन वाइज, और भीड़ भी काफी ज्यादा है।
इधर तो बहुत ही ज्यादा है भाई साहब, इधर बहुत मुश्किल से निकले, कम से कम 15-20 मिनट हमें यही लग गए। फाइनली दोस्तों हम लोग मेले में अभी पहुंच चुके हैं। ये है 84 का मेन गेट, 84 टेंपल का। और आप लोग भाई साहब भीड़ देखो यार, क्या जबरदस्त भीड़ है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। महादेव टेम्पल ये सामने पहले माथा टेक लेते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप सब कलाकारों का। मुझे नहीं लग रहा था कि सभी भरमौर के हैं, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कलाकार हैं और स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कलाकार तो बहुत खुश है लेकिन आप रूठे रूठे से लगते हो, रूठे रूठे से लगते हो तरकीब बताओ बनाने की। अरे रूठे रूठे से लगते हो तरकीब बताओ बनाने की, मैं जिंदगी गिर भी रख दूंगा तुम वजह बताओ मुस्कुराने की। क्या ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर
जी दोस्तों, रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी प्रोग्राम खत्म हो गया है। लोग फिर भी ऐसे नारे लगा रहे हैं वंस मोर, क्योंकि काफी ज्यादा नजारा लिया। धीरे सारे के सारे लोग जा रहे हैं, अभी काफी लोग जो है वो सारे के सारे गुम हो गए हैं। पता नहीं, मैं अभी अकेला ही रह गया हूँ स्पीड में, उनको ढूंढता हूँ, अभी फोन करता हूँ और फिर चलते हैं घर। और मार्केट में ये देखिए इस तरह के सारी दुकानें लगी हुई है, कपड़े की, जूते की, और सारे अभी 11 बज रहे हैं तो सारे अभी भी जो है वो सामान खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अभी दोस्तों रात का 1 बज रहा है, अभी मैं मेले से घर वापस पहुंचा हूं, तो अभी ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड।